तो गाइस टाइगर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, जो कि ट्रेलर देखने के बाद लग भी रहा था और मूवी देखने के बाद कंफर्म भी हो गया। क्योंकि भाई जिस तरीके से इन्होंने मूवी की स्टोरी बनाई थी, उससे अच्छा तो ये होता कि भाई मूवी बना ही ना होती। बात कर ली जाए मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गाइस गणपत मूवी ने अपने पहले ही दिन सरप्राइज कर दिया और बड़ा झटका मूवी ने दिया, जहाँ पहले ही दिन मूवी ने 2,50,00,000 का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसने फ्लॉप का रास्ता मूवी के लिए खोल दिया। मूवी ने अपने सेकंड डे 2,25,00,000 का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और सरप्राइज तो मूवी ने थर्ड डे संडे को दिया, जहां मूवी ने सैटरडे और संडे में कोई भेदभाव नहीं किया और सेम कलेक्शन यानी कि 2,25,00,000 का कलेक्शन किया। मूवी ने अपने फर्स्ट वीकेंड यानी कि 3 दिनों में मात्र 7 करोड़ का कलेक्शन इंडिया भर से किया। और बात कर ली जाए मूवी के फर्स्ट वीक की, तो गाइस गणपत मूवी ने अपने फर्स्ट वीक में 11,80,00,000 का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपने नाम किया, जहां मूवी का साउथ मूवी लियो से क्लेश कराया गया था। लेकिन गाइस लियो की कमाई के सामने मूवी खड़ी क्या उठ भी नहीं पाई, तो भाई कंपटीशन होगा कहां से। और गाइस लियो ने तो हिंदी बेल्ट में इतनी कम स्क्रीन मिलने के बावजूद भी गणपत से ज्यादा कलेक्शन किया, इवन कर रही है। एनीवेज इन सबको साइड में रख कर हम बात कर लेते हैं गणपत मूवी के टोटल कमाई की। तो गाइस मूवी ने अभी तक यानी कि आज अपने 13वें दिन तक 12,60,00,000 का कलेक्शन कर रही है और आज सिर्फ मूवी ने 8 से 10 लाख का कलेक्शन किया है, जहां मूवी ने वर्ल्ड वाइड समेत लगभग 17,50,00,000 का कलेक्शन किया। मूवी का बजट 150 करोड़ है और मूवी ने मात्र 17,50,00,000 का कलेक्शन किया और अब मूवी का कलेक्शन ना के बराबर आ रहा है। तो गाइज ये मूवी अगले फ्राइडे तक थिएटर से पूरी तरीके से उतर जाएगी, क्योंकि गाइज मूवी तो ऑलरेडी डिजास्टर हो चुकी है, जो कि वर्डिट मूवी को मिल चुका है। तो गाइज क्या कहना चाहोगे आप इस पर, और आपने गणपत मूवी को देखा है तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।